अच्छा सनी, एक तो ये चीज करनी है, जब पहली दफा मेरी आपसे बात हुई थी तो उस वक्त आप कोशिश उस वक्त भी कर रहे थे, लेकिन मुझे अब लगता है कि आपने बाकायदा अपनी, जिसे कहते हैं कि एक मकसद बना दिया कि नहीं, आपने ये करना है। हम जैसे लोग, आरजू जैसे लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की मजीद आवाज आगे तक पहुंचा दें। एक तो ये बता दे, अभी जो छोटी बच्ची कविता का केस हुआ है कुछ दिन पहले, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, क्या नजर आ रहा है कि उनकी फैमिली से आपकी बात हुई हो, या आपके जो वहां पे हिंदू कम्युनिटी के कोई भी बड़े लोग जो उनको आप लोगों के मतलब लोगों को लीड करते हैं, उनके हवाले से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, या कोई अगर उनसे आपकी बात हुई हो सर? अरे ये बेसिकली एक मसला नहीं हुआ। अब ये 7 मार्च को एक आपने जो अभी देखा था, एक जो कविता आई है और एक आरती हुई है ढेरकी की। ये 7 तारीख को है, 8 तारीख को आरती ढेरकी की हुई है। उसकी उम्र भी 14 साल है। वो वीडियो उनकी मंदिर पे नहीं आ रही, वो गरीब बंदे हैं, आवाज नहीं उठा सकते। तो मेरी मामू की, उनके मामू की मेरे से बात हुई थी। उनके पास तो इतना भी रिसोर्स नहीं है वो एक वकील हायर कर सके। बड़ी काविश उसने, उन्होंने FIR भी करवाई है। अभी मेरी आधा घंटा पहले उनसे बात हुई थी, तो वो भी इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो इदारे हैं वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब यहाँ बात मुस्लिम और शरीयत की आ जाती है ना, तो यहाँ पे सबके अब हाथ ऊपर ही होते हैं। पर ज्यादा क्या कुछ नहीं होगा, बस ऐसे बात करेंगे, चीखते रहेंगे, जिसके साथ मसला होगा वही चलाएगा। और बेसिकली कोई आप जो भी हिंदू MNA MPA भी होगा ना, वो भी इसी बातों से डरता है। ठीक है। अच्छा सनी, एक तो आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, लेकिन आरजू, हमने कविता जो छोटी बच्ची है, 13 साल की बच्ची, स्कूल गोइंग बच्ची होती है, मैंने ख्याल छठी सातवीं या मैक्सिमम 8वीं क्लास में पढ़ती है, इससे ऊपर नहीं होती दुनिया के किसी भी मुल्क में, वो पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, या अमेरिका। जी, सनी आप कुछ कह रहे हैं? सिक्स क्लास में पढ़ती है, सिक्स क्लास मैं में। वही कह रहा हूं ना कि छठी सातवीं या 8वीं क्लास से ऊपर की बच्ची नहीं हो सकती, छोटी बच्ची होती है स्कूल जाने वाली। हमने आरजू वो वीडियो देखी, आपने अपने ट्विटर पे भी लगाई, मैंने भी आपका गालिबन रीट्वीट किया था, और भी बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बातचीत की थी। एक छोटी बच्ची बैठी हुई है और लोग साइडों पे खड़े हैं, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने, जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा कर दिया। उस छोटी बच्ची को क्या पता कि यार मतलब हिंदुइज्म क्या है, इस्लाम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, या कोई और रिलीजन क्या? छोटी बच्ची को क्या पढ़ती है इस चीज से, उसको क्या पढ़ी है रिलीजन से कि यार मैं किस रिलीजन से हूं और मुझे किस रिलीजन में आप लेके जा रहे हैं? लेकिन वहां पे वो म्यामिट्टू सरकार जो है वो भी बैठे हुए और नोट नचावर किए जा रहे हैं उसके ऊपर, और पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लगे हुए हैं उस बच्ची को, बेचारी बेटा, और वो इतनी मतलब हक्की बक्की और ऐसी परेशान बैठी हुई है, मैंने जब वो वीडियो देखी। आप क्या कह रहे, मतलब एज ए जर्नलिस्ट मैंने आपको देखा, बहुत सारी आप बात आवाजें उठाती हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई, जिसे कहते हैं, चीज काबू में नहीं आ रही, आगे की तरफ बढ़ रही? बिल्कुल फकर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इस चीज को सीरियसली लेता ही नहीं है। और हमने पहले भी इस बारे में बहुत बात की है, और हमने इंडियन मीडिया के साथ भी, बल्कि 1 साल से ज्यादा हो गया है कि वो लोग इस इशू को उठाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मीडिया इस इशू के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करता। और अब मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे लोगों को ही थोड़ा सा और कोशिश करनी पड़ेगी कि हम क्या कर सकते हैं, जिससे कि ये बात और ये जो प्रॉब्लम है, जो ये मियां मिट्टू जैसे खबीस लोग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन हो। तो मेरा ख्याल है कि कोई आइडिया आप और सनी भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा इरादा है, बल्कि आज पूरी तरह से कि आज ही मैं एक शुरू करूंगी ट्विटर ट्रेंड, जिसमें कि ये लिखा होगा कि अरेस्ट मियां मिट्टू और उसके बाद स्टॉप फोर्स कन्वर्जन, ये करके हम ट्विटर पे शुरू करते हैं। और मेरा ख्याल है बिल्कुल कि कुछ ना कुछ दोस्त हमारे जो हैं, जो हमारे हमारी इस चीज को जैसे कहते हैं, तारीफ भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, हम इस ट्रेंड को चलाएं। और सनी को भी मैं वो लिंक भेज दूंगी, आपको भी भेज दूंगी, अपने दोस्तों को दें और इस ट्रेंड को आगे बढ़ाएं, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चले।
और कहीं ना कहीं से आवाज उठे, ह्यूमन राइट्स वाले करे कुछ तो करे, वरना कब तक सिर्फ हम इसी तरह की डिबेट्स करते रहेंगे और ये चीज चलती रहेगी कि हर साल ये 1,000 से ऊपर बच्चों को उठा लेते हैं, उनके पेरेंट्स की क्या हालत होती है उस बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस तकलीफ का। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है मैं आज रात से ही इस ट्रेंड का आगाज कर दूंगी और जैसे ही आपका शो खत्म होता है और उसके बाद कुछ देर के बाद जो है जैसे मैं मुझे टाइम मिलेगा कि मैं बैठूं और अपना ट्विटर देखूं, सबसे पहली चीज